नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने पिथौरागढ़ में किया विधिक सेवा प्राधिकरण के बहुउद्देशीय शिविर का उद्घाटन। कहा, आमजन की सुविधा के लिए कानून को और सरल बनाना जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में किया करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। स्वयं सहायता समूहों को 35 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के चेक भी बांटे। देश में पूरा हुआ 50% व्यस्क आबादी का टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके दी जानकारी। कहा, कोविड के खिलाफ पूरी एकता के साथ जंग जीतने में सफल रहेगा राष्ट्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देहरादून रैली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया बेहद सफल। कहा, तय लक्ष्य से कई गुना ज्यादा लोग पहुंचे प्रधानमंत्री को सुनने। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आमजन भी कानूनी दस्तावेजों को समझ सके, इसके लिए देश में कानून को और सरल बनाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री आज पिथौरागढ़ के देवसिंह मैदान में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित बहुउद्देशीय शिविर का उद्घाटन करने के पश्चात लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों का ज्यादा से ज्यादा आयोजन किया जाना चाहिए। शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांगजनों को व्हीलचेयर व अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए। बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न विभागों ने लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अपने स्टॉल लगाए थे। तो यहाँ शिविर लगे हैं, इसमें लोगों को इसको थोड़ा लंबा चलाना चाहिए ताकि लोगों को इससे मदद मिले। ये जो लीगल एड्स जो होते हैं ना, लोगों को एक तो जानकारी देते हैं, प्लस उनका जो कानूनी सलाह और कानूनी सेवा ये लोगों को मिले, साथ साथ में जो सरकारी स्कीम्स है, परियोजनाएं जो चल रहे हैं, उसका भी बेनिफिट्स लोगों को पहुँचाने में हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है, लॉयर्स है, ये काम करेंगे। बहुउद्देशीय शिविर में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उमेश उदय ललित और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। शिविर के दौरान लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। लोगों का कहना था कि इस तरह के शिविर बार बार लगने चाहिए ताकि उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। सर, हमें लाभ जो है स्वास्थ्य विभाग का मिला और सर्विस विभाग का मिला। यहाँ पे जो है काफ़ी विभागें लगी हैं जिससे हमें जो है काफ़ी लाभ मिल रहा है और हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। सभी मतलब जनताओं को जो है अवगत कराना चाहिए सरकार ने। बहुत ही शिविर में समाचार पत्र पढ़ा, कंबल मिलेगा वो मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधी वो है, बहुत काफ़ी भीड़ है। तो समाज कल्याण विभाग हमारे विकलांगों का वो है वहाँ साहब से मिले तो उन्होंने पर्चा अर्चा कटवा दिया हमारा, तो दवाई वगैरह आँख दिखाई मैंने, तो पर्चा वगैरह 15 दिन चलेगा बोल रहे थे और हॉस्पिटल से आपको चश्मा वगैरह मिल जाएगा बोल रहे थे। मैं अपनी माताजी को लेके आया हूँ और यहाँ पर हमें एक व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। अभी माताजी हमारे पाँव से जरा तकलीफ में है, उन्हें अभी यहाँ पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर में 3,741 लाख रुपए से अधिक की 11 योजनाओं का लोकार्पण और 11,710 लाख रुपए से ज्यादा की लागत की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को कुल 35 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के चेक भी वितरित किए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि विकास को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना चुनौती है। उन्होंने कहा कि जब उत्तराखंड अपने स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली मना रहा होगा तब ये सभी क्षेत्रों में देश का उत्कृष्ट व आदर्श राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा किसी की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये सामूहिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि 2016 से बंद सितारगंज चीनी मिल शुरू कर दी गई है और काशीपुर चीनी मिल शुरू करने की दिशा में अनुसंधान चल रहा है। देखिए, अभी मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की मांग को देखते हुए पूरे इस कुमाऊँ रीजन में
कोई बड़ा संस्थान इस प्रकार का नहीं था जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट और तमाम प्रकार की सुविधाएं मिले, उसको लेकर मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि हमारे क्षेत्र में एक एम्स की अन्य शाखा खुलनी थी। तो शाखा खुल रही है, सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सभी लोगों से बात करने के बाद जो भी स्थान बनेगा, क्योंकि आसपास ही होगा, आसपास ही मिलेगा, और हमारी कोशिश होगी सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी सुविधा के अनुरूप वो स्थान निर्मित हो। देश में अब तक करीब 50% व्यस्क आबादी का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने इसे गौरवशाली बताते हुए आशा व्यक्त की कि राष्ट्र पूरी एकता के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने में सफल रहेगा। गौरतलब है कि अभी तक कुल 127,61,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे में 1,04,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इसी दौरान देश में कोविड के 8,895 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 99,155 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.35% है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 138,95,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 21,13,00,000 से अधिक टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। इस बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन के पहले मामले का पता चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि तंजानिया से वापस आए इस मरीज को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर गुजरात में भी कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला जामनगर में मिला है। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिम्बाब्वे से आए 72 वर्ष के एक व्यक्ति में नए वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। जामनगर के सरकारी अस्पताल में इस व्यक्ति का आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरियंट के कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नौसेना दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस में आयोजित एट होम कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल ने भारतीय और समुद्र तटीय और बचाव एवं सुरक्षा चार्ट का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सम्मिलित हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि सभी नौ सैनिकों व पूर्व नौ सैनिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और नौसेना में तैनात वीर जवानों के कठिन परिश्रम, त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हमारी गौरवशाली परंपरा, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति सुरक्षित हाथों में है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा देश लंबी तटीय सीमाएं रखने वाले विशाल समुद्री राष्ट्र है। समुद्र की लहरों के बीच अनेक छोटे बड़े द्वीप हैं जो हमारे देश की विशालता को प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने वेद की पवित्र वाणी श नो वरुण को अपना आदर्श वाक्य माना है, जिसका अर्थ है जलमय वरुण हमारा कल्याण करे। भारत भूमि के सामरिक महत्व की इन विशाल सीमाओं की सुरक्षा हमारे नौसेना के वीर जवानों के हाथों में है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने आज हरिद्वार के निरंजनी अखाड़ा परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जूना अखाड़े में विशाल त्रिशूल स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को उत्तराखंड के सभी लोगों की इच्छाओं का संज्ञान लेकर भंग किया गया है। सरकार सभी मंदिरों के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जो संतगण निर्मल मन से आशीर्वाद देते हैं, सभी ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से हमें अपने कर्म क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। और देवस्थानम एक्ट जो हमने वापस लिया है, तो निश्चित रूप से सभी की भावनाओं के अनुरूप हमने ये एक्ट वापस लिया है। आगे चलकर नई व्यवस्था कोई बनाएंगे तो सभी से मिलकर हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, हमारे चार धाम हैं, हमारे यहाँ के मंदिर हैं, सभी का संरक्षण हो, संवर्धन हो, सब आगे बढ़े, सब में अच्छी व्यवस्थाएँ बने। सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है।
वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग होने से सभी खुश हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री आगे भी स्नातक की रक्षा के लिए काम करते रहेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको भंग किया है, तो इसमें जितना हमारा संत समाज है, पंडा समाज है, जो भी हम मंदिर वाले हैं, मठ वाले हैं, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है, साधुवाद दिया है, और ये उम्मीद रखी है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है आगे चल के जो सनातन की जो रक्षा है, सनातन की रक्षा करते रहेंगे और पूरा हिंदू समाज इनके साथ रहेगा। वहीं दूसरी ओर कोविड के नए खतरों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नए वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सजग है और हाई पावर कमेटी का भी गठन इसके लिए किया गया है। सरकार ने प्रतिदिन 25,000 लोगों के कोविड टेस्ट का लक्ष्य तय किया है। लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा किया जाएगा। जल्द ही रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड समेत सभी प्रमुख स्थानों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट पुनः शुरू कर दिए जाएंगे। हम कोरोना को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। हमने इसके लिए लगातार बैठक की है, हाई पावर कमेटी की बैठक की है और सभी जगह पर हम रैंडम टेस्ट चालू कर रहे हैं। एक दिन में हमने 25,000 का लक्ष्य रखा है टेस्टिंग का, और जो भी जरूरी है जान माल की सुरक्षा के लिए वो सारे काम कर रहे हैं। नहीं, सभी जगह पर हम रैंडम चालू करवा रहे हैं। रेलवे स्टेशन है, हमारे हवाई अड्डे हैं या हमारे बॉर्डर हैं, सब जगहों को हम लोग देख रहे हैं। गुरुद्वार में आयोजित 3 दिवसीय अप्रसिद्ध सिद्धबली मेले में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शहर में निकाली गई विभिन्न झांकियों के साथ आरंभ हुए मेले में शामिल होने और सिद्धबली के दर्शनों के लिए उत्तराखंड के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी श्रद्धालु पहुंचे। मेले में शामिल होने पहुंचे वन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक हरक सिंह रावत ने कहा कि लोगों में सिद्ध बलि के प्रति अगाध श्रद्धा है। कोरोना के कारण 2 साल मेले का आयोजन नहीं किया जा सका, लेकिन अब काफी राहत मिल गई जिससे मेले का आयोजन संभव हो पाया है। और सिद्ध बलि बाबा के उपासक कह सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं, केवल कोटद्वार और पौड़ी जनपद में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के लोगों के मन में सिद्ध बलि बाबा के प्रति एक आस्था है, विश्वास है, और अब जिस तरह लोग धीरे धीरे सिद्ध बलि बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो एक तरह एक ये भी एक जिस तरह बद्री केदार है, गंगोत्री यमुनोत्री है, नीलकंठ महादेव है, जगेश्वर महादेव है, कुंजापुरी है, चंडी देवी है, उसी तरह ये भी हनुमान के एक प्रमुख धाम के रूप में अब पूरे देश के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर मेले का आयोजन करने वाली समिति का कहना था कि कोविड गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर के महंत और विधायक दिलीप रावत ने सिद्ध बलि मंदिर की महत्ता के बारे में जानकारी दी। ये सिद्ध बलि अनुष्ठान मेला 3 दिन का होता है और इसमें हम प्रथम दिन, द्वितीय दिन और तृतीय दिन तीनों दिन महाभिषेक पिंडियों का किया जाता है और उसके पास हमारे यहाँ पर लगातार भंडारा चलता रहता है। वार्षिक एकादश कुंडीय यज्ञ हमारे यहाँ पर चलता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है जागर शैली पर यहाँ पर भगवान का, देवताओं का आह्वान किया जाता है और लोगों पर वो अवतरित होते हैं, ऐसी मान्यता है। और सवा मन का रूट श्री सिद्ध बलि बाबा के नाम से यहाँ पर काटा जाता है और उसके बाद हमारे यहाँ भजन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। त्रिक विदंती ये है कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर हनुमान जी को सिद्ध किया था और इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध जो स्वरूप स्वयं गुरु गोरक्षनाथ जी थे और बलि श्री बजरंग बलि जी के मिलने के कारण यहाँ पर इस स्थान का नाम सिद्ध बलि धाम पड़ा है। आपको बता दें सिद्ध बलि मेले में 3 दिन तक विशाल भंडारा चलता है जिसमें 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। पिछले 2 दशक से भंडारे का आयोजन करने वाले श्रद्धालु का कहना है कि उन्हें सिद्ध बलि बाबा के भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है। भंडार का काम बाबा की प्रेरणा से करीब 18-20 साल से 3 दिन का जो वार्षिक उत्सव में भंडारा होता है वो हम लोग ही करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य मेन यह है कि जो लोग जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने आ रहे हैं उनको टाइम से प्रसाद मिल जाए, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और जन सेवा का हमारा उद्देश्य है। करीब करीब जो है 50,000 भक्त आ जाते हैं। खाने पीने की हमारे पास अपना स्टाफ है, वो सब जो है प्रसाद का वितरण करता है। हलवाई जो है मुजफ्फरनगर से बुलवाते हैं, जो 3 दिन की व्यवस्था वही कर सकता है। पैसों की व्यवस्था हम जो है 5-4 लोग हैं वो मिलके करते हैं, किसी का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं लेते हैं।
बाबा के दरबार में बस बाबा अपनी कृपा सब पे, जैसे हमारे पे कृपा बना रखी है वैसे सब पे कृपा बना के रखे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बीते रोज हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को बेहद सफल बताया है। उन्होंने कहा कि जो लक्ष्य रैली में जनता के आने का रखा गया था उससे भी ज्यादा लोग रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे। इससे साफ है कि एक बार पुनः डबल इंजन की सरकार पहले से ज्यादा बहुमत के साथ राज्य में बनेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को लेकर जो विजन तैयार किया है उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो रैली थी उस रैली में उमड़ी अपार भीड़ के लिए मैं जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कल की अपार भीड़ वो निश्चित रूप से एक संदेश देती है कि 2022 में डबल इंजन की सरकार पुणे 2017 से बड़ी विजय के साथ इस राज्य में बन रही है। कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लगभग 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, ये निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही उत्तराखंड राज्य की विकास की दृष्टि से बढ़ते हुए कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से कोटद्वार क्षेत्र के लोगों को भी सीधा लाभ मिला है। बीते रोज देहरादून में हुई जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच राष्ट्रीय और राजमार्ग 119 को चौड़ा करने के काम का शिलान्यास किया। इससे स्थानीय लोग काफी खुश हैं। उनका मानना है कि इस राजमार्ग के चौड़ा होने से जहां कई प्रमुख स्थानों से कोटद्वार की आवाजाही में समय की बचत होगी, वहीं पौड़ी जिले की ओर लोगों का रुख भी बढ़ेगा। लोगों का कहना है कि अभी नजीबाबाद कोटद्वार हाईवे पर आवाजाही में काफी ज्यादा समय तो लगता ही है, साथ ही आए दिन दुर्घटनाएं भी होती हैं। सड़क चौड़ा होने से ये दोनों समस्याएं हल होंगी। भविष्य में इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि मोदी जी आए हैं कल और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र करा है कि उन्होंने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ रुपए देने की ऐलान किया है, तो उसमें उन्होंने इस सड़क के लिए भी बात करी है जो कि मेरठ नजियाबाद और कोटद्वार तक की एक हाईवे बनने वाला है। और इससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि यहाँ मेन जो हमारा ये है ये यही रूट है कोटद्वार का जाने का। कहीं भी आप बाहर जाइए दिल्ली वगैरह देहरादून तो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत गड्ढे हैं सड़कों में, इतना ज़्यादा हाईवे नहीं है कि काफ़ी आना जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर ये चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। सबसे पहले तो टाइम कम, आजकल आपको पता है कि जनरेशन ऐसी हो गई है कि टाइम बहुत कम है, तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि एक लिमिटेड टाइम में इंसान इधर से उधर ट्रैवल कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि सर एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं इस रोड में काफ़ी ज़्यादा, वो चीज़ सही होगी। और अगर रोड चौड़ी होगी तो मुझे लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और अदर चीज़ें भी यहाँ आएगी, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने जाने में, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई है। मेन सड़क की यहाँ दिक्कतें हैं, चाहे आप पहाड़ देख लीजिए या ये देख लीजिए, तो ये चीज़ अच्छी होगी। नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच में जो चौड़ीकरण के प्रस्तावित प्रधानमंत्री जी ने अभी उसका शिलान्यास किया है, इसके लिए कोटद्वार से सिद्धबली मंदिर, ताड़केश्वर धाम, ज्वालपा देवी सिद्धपीठ, ज्वालपा देवी मंदिर, जो आने वाले पर्यटकों को लैंजोंग, खास करके लैंजोंग आने वाले पर्यटकों को बहुत लाभ मिलेगा। जो नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच में दूरी थी वो कम होगी और सुगमता से लोग आसानी से यहाँ पहुँच पाएंगे और पर्यटन को बहुत बड़ा यहाँ पर पूरे क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए मुख्यतः नजीबाबाद से कोटद्वार के बीच जो मुख्य सड़क थी वो बड़ी दिक्कतें वहाँ थी, उस सड़क चौड़ी होने से लोग आसानी से कोटद्वार पहुँच पाएंगे, कोटद्वार के रास्ते से तमाम शहरों पर जा पाएंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।